बोले? अभी जी बस अभी आपको याद कर रहा था और आप आ गई। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हमको पता है कि आप हमको ही मिसयूज कर रहे थे। भाभी जी मिसयूज लड्डू के भैया कर रहे हैं आपको सालों से। वो मिस होता है। सही पकड़े हैं। हमको पता है आप हमें को याद कर रहे थे, इसीलिए तो हम आ गए आपसे मिलने के लिए। भाभी जी हम धन्य धन्य हो गए कि आप हमारे लिए हमसे मिलने चली आई। पढ़ लाइफ बात ये है ना कि हमको एक काम भी है आपसे। अभी आप कहिए, ये गुलाम अपना सर कलम कर देगा। का बोले? भाभी जी काम बोलिए ना, क्या काम है? हाँ वो का है ना कि आपको हमारे साथ झाड़ियों में चलना है। आप मुझे झाड़ियों में क्यों ले जाना चाह रही? कानपुर के बाहर एक पहाड़ है, उसके ऊपर ना झाड़ियां हैं। आपको हमारे साथ वहां चलना है। पहाड़ पे झाड़ी है, आई नो भाभी जी, लेकिन आप मुझे झाड़ी में क्यों ले जाना चाह रही हैं? एनी स्पेसिफिक रीजन? वो हम आपको ना ही बता सकते हैं। आप चलेंगे ना? आई वुड लव टू गो भाभी जी, आई वुड लव टू गो विद यू इन अ झाड़ी, बट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन अ झाड़ी। आई एम सॉरी, आई एम रियली। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। जी हाँ हाँ, आप बिल्कुल तान से ना ही लीजिए। हाँ हम बोल देंगे लड्डू के भैया को कि आपके पास आ रहे हैं, ठीक बा? हाँ प्रणाम करे हैं। भाई भाई क्या हुआ पगली, किससे बतिया रही थी? ओ लड्डू के भैया, अम्मा जी का काल था। तो इतनी धीमी आवाज में काय बात कर रही थी? ओ का है ना कि अम्मा जी पूछ ही रही कि अबायल कहाँ, हमरा मतलब आप कहाँ हैं? तो हम कहा बोले उनको कि आप सो गए हैं, नहीं तो आपको बुलाती ना आप बात करने के लिए। चलो ये तो अच्छा किया, वैसे भी रात को अम्मा की डांट खा के सोने का हमें कोनो शौक नहीं है। हाँ अच्छा सुनिए ना लड्डू के भैया, कल ना हम गांव जा रहे हैं। गांव का है? वो अम्मा जी यही तो बोल रही थी काल पे, कहा है कि मक्के का बीज डालना है, फसल का टाइम आ गया है ना। और आपको याद है पिछली बार जब हम मक्के के बीज डाले थे तो फसल कितना अच्छा आया था? इस बार बोली अम्मा जी कि तुम रही हाथों से डलवाना है। ये अम्मा भी ना नित नए चोचले पाले रखती है। ठीक है छोड़ आएंगे तुम्हें। आप कहाँ जाएंगे? तो क्या अकेली जाओगी? नहीं अम्मा जी बोली है कि बायल को हमरा मत बोले आपको आने का कोनो जरूरत नहीं है। वो तो वही तो पूछ रहे हैं ना पगली की, अकेली जाओगी क्या? एक ठो काम करते हैं, भरभूति जी को ले जाते हैं। हाँ ठीक ये सही रहेगा, वैसे भी नल्ले घूमते रहते हैं, कोई ना कोई काम ही कर लेंगे, है ना? ठीक पा चलो सोने चलो आओ। अरे आइए आइए सर, आइए 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 सर, आइए तशरीफ रखिए जी। वाह सर, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे, नेत्र बिछाए बैठे थे आपकी प्रतीक्षा में। क्यों आपके पास बिछाने के लिए गद्दे नहीं है जो नेत्र बिछाए बैठे हैं? गुड जोक, काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं आप सर। खैर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई सर? बहुत तकलीफ हुई है, बहुत मुश्किल से आपका घर मिला है। अच्छा तो हमारे मोबाइल पर कॉल कर लेते आप सर? एक्सक्यूज मी, आई हेट मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं रखता। अच्छा फोन नहीं रखते, लेकिन फिर आज के दौर में कैसे जी रहे हैं आप फोन के बिना? वैसे ही रह लेते हैं जब मोबाइल नहीं आया था। ओ अच्छा, फिर भी मतलब एक फोन ना रखने की कोई खास वजह कारण है? वजह 2G नेटवर्क को 3G बोलकर बेच गया, उसी 2G को फिर से 4G कहकर बेच गया। रिजल्ट क्या निकला घुइया, 1 मिनट का वीडियो देखने में 2-2 घंटे जाते थे। जब भी कॉल करो कॉल ड्रॉप होता था, बीवी को लगता था कि मैंने जानबूझकर कॉल काट दिया है। अरे इस चक्कर में रोज बीवी से लड़ाई होती थी।
बिल आता था दो दो तीन तीन हजार। यार मैं तो तंग आ गया था इस मोबाइल से, मतलब परेशान हो गया था, फिर मैंने मोबाइल रखना छोड़ दिया। वाकई सर, आपके साथ मोबाइल के साथ हुए अनुभव को सुनकर काफी अफसोस हुआ। हाँ हाँ ठीक है, छोड़िए इन बातों को, आइए काम की बात करते हैं। तिवारी देखिए, आपसे मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर क्लियर करवाना है, तो उसके कुछ जरूरी नियम और शर्तों पे बात कर लेते हैं हम लोग। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल कहिए सर, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जी 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 कहिए। पहली बात यह है कि तिवारी जी, प्लीज प्लीज आप फोन मत उठाइए। प्लीज, काम के वक्त में कोई फोन उठाता है तो मैं चिढ़ता हूँ, मैं नफरत करता हूँ ऐसे लोगों से। प्लीज कॉल मत उठाइएगा। सर फिर भी जरा देख लेते हैं, दो मिनट जर, किसका फोन है, बस थोड़ा सा, बस है ना ये। भाभी जी का फोन है। हेलो भाभी जी, हेलो। हेलो तिवारी जी, कैसे हैं आप? क्या बताएं भाभी जी, आपकी आवाज सुनकर एकदम प्रफुल्लित से हो गए भाभी जी। क्या तिवारी जी, कहाँ खो गए आप? भाभी जी हम कह रहे थे कि तिवारी जी आज ना आप कुछ मत कहिए, आज सिर्फ आप सुनिए। जी क्या क्या सुने? फूले बिसरे गीत। तिवारी जी दरअसल जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, मैंने पुराने गाने गाना शुरू कर दिया है, तो मैं चाहती हूँ आप ना उसका लुत्फ उठाएं। अरे भाभी जी, ये तो सामने वाली पार्टी लुत्फ उठाने के लिए तैयार नहीं, तो हम क्या खाक लुत्फ उठाएंगे। तिवारी जी आपके होंठ फिर से ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए ना। नहीं भाभी जी क्या है कि हम कह रहे थे कि आज आप कुछ मत बोलिए। ये लडूरिया का केस अभी तक पेंडिंग है, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ वो? ना ना पेंडिंग नहीं है, हम बिल्कुल गहराई तक पहुंच गए, लेकिन कहा कि जो सारू धीकू लट बहुत ज्यादा बदमाश है। तमाम सूत्रों से पता चलो है कि जो रामघाट के जंगलन में भटक रहे हुए, लेकिन हम दबोच लेंगे। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बागोनोस के पीछे जंगलों में पकड़ के लाओ उसे। जानते हो ना कितना बड़ा कांड करके भागा है वो? रामू लाला के यहाँ पे कांड किया उसने, 1,00,000 रुपए नगद और 2,00,000 के आभूषण लेके भागा वो। जब बात की पक्की खबर हमें भी है, लेकिन हम दबिश दे रहे हैं और बढ़ा दी। गुइयां दबिश दे रहे हो तुम, 2 महीने से केस वैसे का वैसा ही पड़ा है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं लटूरिया के साथ मिलकर तुमने 50-50 कर लिया हो? साहब हमें बुरु अलग दो, हम पता है तनक मनक हमारा नाम खराब है निछावर के मामले में, लेकिन इतने घटिया नहीं है, हम ढीले हैं काम में थोड़ी से, लेकिन हम असल में काम के लाने मर मिटने वाले आदमी आए हैं। हमने घर परिवार ना देखो कबू, ड्यूटी के लाने जहां मिलो मौको कूद पड़े सो तो। हम तब दबोच लेंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है ठीक है, लटूरिया को पकड़ो, मुझे हर हालत में वो सलाखों के पीछे चाहिए, समझे? लग जाओ काम पे। प्रेम चौधरी, तूने डैनी पाठक से बिल के अच्छा नहीं किया। मैंने इस गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए बेटा, अब यही गाड़ी तेरी कबर बनेगी। और कहीं गलती से तू बच गया ना बेटा, तो पुलिस तुझे नहीं छोड़ेगी। हेलो हेलो कमिश्नर साहब, देखिए हम पुलिस के एक मुखबिर बोल रहे हैं, हमने अभी अभी एक गाड़ी देखी है जिसमें कुछ संदिग्ध लोग थे, और हमको लगता है कि वो बहुत सारी ड्रग्स स्मगल करके ले जा रहे हैं। देखिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको धर लीजिए, वरना वो लोग कांड कर देंगे, और हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप अपनी ड्यूटी निभाने के लिए अपनी जान दे देंगे। अच्छा गाड़ी का नंबर नोट कीजिए। पड़ोसी ने भाभी पटाई, इतवार के दिन की सगाई। बड़ा खुश नसीब पड़ोसी है भाई, काश ऐसा वाकयात हमारे साथ भी गुजर जाए।
सोच के बदन में फुरफुरी सी दौड़ने लगती है। तार तो बाहर ना होगा कम वक्त। क्या बात है भैया, बड़े मचल रहे हो। अखबार में कोई अश्लील फोटो देख ली होगी। लात घूसे खाने का मन है तो बता दे बेटे। अबे क्या भाई, यही सूद देंगे। तनखा के नाम पे सांप सूंघ जाता है, बस बदतमीजी करवा लो तुमसे। चुप चुप साले। भैया भैया क्यों मूड खराब कर रहे हैं अपना, आज ना हम बड़े खुश है गए। अच्छा हाँ। किस बात की खुशी बेटे, लल्ला है जो का? अरे भैया भगवान करे आपको ये सपनों ना जल्दी पूरा हो जाए। लेकिन कब चाहेगा भगवान, पहले तुम कर लो, तुम बड़े हो, बाद में हम कर लेंगे। भैया आप तो मिठाई खाओ ना भैया, कैसी बातें कर रहे हो, मिठाई खाओ। मिठाई? ये किस खुशी में बेटी? भैया मोको है ना लाइसेंस मिल गया है। अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन तुझे गाड़ी चलानी आती है बेटे? है भैया, अब लाइसेंस आ गो तो गाड़ी चलानी भी आ जाएगी ना। तो ये क्या मुंगिया मार रहा है, जल्दी जल्दी कर, बारात आने का टाइम हो गया है। अरे प्रेम जी, अरे प्रेम जी यार, आप अपनी गाड़ी दीजिए, गाड़ी दीजिए अपनी। लेकिन क्यों? अरे भाई ज्यादा सवाल मत कीजिए, गाड़ी दीजिए ना। लेकिन चलाएगा कौन? भैया मैं चलाऊंगा, आई हैव गवर्नमेंट लाइसेंस भैया। दीजिए प्लीज। ठीक है ये ले। और हाँ मेरी गाड़ी जकड़कट्टी के पास खड़ी है, व्हाइट कलर की गाड़ी है। अबे इधर। थैंक यू। यूपी 42 SK1355 जब सारी बड़ी गाड़ी लग रही, साइकिल आने अज्ञात फोन आओ तो देखने पड़ेगा दादा, जई में है का ड्रग्स ब्रग्स। जो भी लॉक है का खुल गई। अब पता ना आए लड्डू के भैया को यहाँ आने में कितना टाइम लग जाएगा, और तब तक यहीं लटके रहना पड़ेगा का? भाभी जी हमारा बस चले तो हम जिंदगी भर आपके साथ यूं ही लटके रहें। आप क्या बोले? भाभी जी मैंने कहा इस लटके मौजू पर एक शेर याद आ रहा है, अगर आप कहें तो अर्ज करूं। हाँ, सुनाइए ना इरफान पठान। भाभी जी वो इरशाद होता है। सही पकड़े हैं, सुनाइए। भाभी जी सही पकड़े हैं तभी तो लटके हैं, वरना खाई में गिर गए होते। सही पकड़े हैं, शेर सुनाइए। अर्ज किया है, मैंने इश्क में खाए क्या क्या झटके हैं, कभी डूबे तो कभी अटके हैं, आपसे इश्क सदा देखो घंटे की तरह लटके हैं, आपके साथ की तमन्ना थी आज आपसे सट के लटके। हाय दिया, अका लटका हुआ शेर सुनाए बाबा। हेलो भी भाभी जी। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी शुक्रिया। ठीक है बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी चला। अरे भैया देख ना रहे गाड़ी की स्पीड 100 के ऊपर चल रही है। ठीक है तू बहुत सही चला रही है मेरी जान, साबस चलाते रहे ऐसी। अरे तू क्या अवार्ड दे दूं क्या, तू अपना थोड़ा बंद रख यार। सेठ जी मुझ पर क्यों भड़क रहा हो, मैं तो टीका का हौसला बढ़ा रही हूँ। तो मत बढ़ा हौसला बेटे, हौसला मत बढ़ा। अरे भैया जी कमाल कर रहे हैं, फालतू में इतनी टेंशन ले रहे हैं आप। अरे बेटा हमारी बीवी जो है जिंदगी और मौत से जूझ रही है और तू कह रहा है टेंशन मत लू।
भैया एक छोटी सी प्रॉब्लम है गई है। क्या बेटे? भैया गाड़ी के ब्रेक ना लग रहे। अच्छा हाँ भैया, भैया जो देखो गाड़ी के ब्रेक पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। अरे दादा, अरे देखा अब क्या होगा भगवान, क्या होगा? टीका बेटे तू गाड़ी चलाता रहे हैं? हाँ भैया गाड़ी तो चला रहा हूँ, अब गाड़ी चलावे के अलावा कुछ चारू भी तो ना है। नहीं नहीं तू बस गाड़ी को कंट्रोल में रख बेटे, कंट्रोल में रख। अरे हमें लग रहा आज ना बचेंगे। अरे ओ, अरे दादा, अरे अंगूरी को फोन है, एक मिनट। हाँ 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 पगली। हाय दिया, अरे देखिए भैया आप कहाँ है, कहाँ है? बस आ रहे हैं पगली हैं, तो तुम चिंता मत करो, हम पहुंच रहे हैं। नहीं नहीं हम आपको कहाँ बताए। हाय दिया, हाय दिया, देखिए देखिए लड़के भैया हमारा ना कोइंसिडेंस हिल रहा है अब। वो कॉन्फिडेंस होता पगली, सही पकड़े हैं। और कहा है कि हमको लग रहा है कि हमारा हाथ, हाय दिया हमारा हाथ कभी भी छूट सकता है। लड़के भैया जल्दी आ जाइए। नहीं 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 पगली, बिल्कुल नहीं है। तुम हौसला रखो, हौसला मत टूटने देना है, बस आ रहे हैं हम। आई दिया जल्दी आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आई दिया भाभी जी कहाँ तक पहुँचे लड्डू के भैया? आ रहे हूँ रास्ते में, हमको नहीं पता। आ रहे ये क्या कर रहा है बेटे, ये क्या कर रहा है भैया? कर भी कर सकता हूँ भैया, सामने से ट्रक आ गया है तो सारे ने साइड भी ना दी। आप तो जानते हो ब्रेक तो फेल हो चुके हैं जाके। ठीक है ठीक है, एक काम कर, हैंड ब्रेक लगा, हैंड ब्रेक। टिल्लू हैंड ब्रेक भी फेल हो चुके हैं यार। भाभी जी हमने तो बोल दिया, अब आपकी बारी है बोलने की। हम कहा बोले, आप ही कछु बोलिए। भाभी जी मैं आपको एक आशिक की कहानी सुनाता हूँ। हाँ सुनाइए। एक आशिक था, वो अपने सामने वाली भाभी से बहुत प्यार करता था, दीवाना था उनका। हाय दिया। हाँ। सामने वाली भाभी से बहुत 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 बुरी तरह इश्क करता था और गाहे बगाहे अपने इश्क का इजहार भी करता था, लेकिन भाभी जी इस बात से अनजान थी। वो जब भी उनसे कुछ कहता वो कहती का बोले, और वो आशिक उनके प्यार में उनके इश्क में तड़पता रहा, जलता रहा। भाभी जी यही कहती रही का बोले का बोले। लेकिन वो ऐसा काहे बोलती थी? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाभी जी कि वो ऐसा काहे बोलती थी, क्यों बोलती थी? हमको का पता काहे बोलती थी, और आप का बोलते हमरे कछु नहीं समझ आता है। तुम कहते हो का बोले, हम जो बोले तुम न समझे। लिए दिल में इश्क शोले, हम जलते रहे होले होले। अब आपकी हर अदा को कितनी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। आ का बोले? बस भाभी जी चाहत की उधड़ी हुई चादर पर आपकी मोहब्बत का रफू कराने के चक्कर में लगे रहते हैं। आ का बोले? Just fall in love with me। आ का बोले? भाभी जी कभी कभी इश्क अभी कर लिया कीजिए। आ का बोले? जब भी हम कुछ बोले तुम यही बोले, का बोले का बोले। आ का बोले? इट्स द राइट टाइम टू किल मी। आपका बज रहा है? मेरा बज रहा है? इतनी रात को? इतनी रात को किसने फोन किया यार? गॉड, अनुदिन देखती ना रात देखती कभी फोन कर देती। भाभी जी प्लीज शांत रहिएगा, कुछ बोलिएगा मत। अगर इसने आपकी आवाज सुन ली ना तो अगले सीन में ये भी लटके नजर आएगी हमारे साथ। नहीं बोलेंगे। हेलो स्वीटी बान, हाउ आर यू डूइंग माय बेबी? फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी, क्या कर रहे थे?
बेबी मैं ये बाथरूम में था, आई वाज इन द बाथरूम। क्यों बाथरूम में फोन उठाना कोई गुनाह है क्या? नहीं बेबी मैं बाथरूम में फोन लेने गया था। अच्छा तुम तो बाथरूम में हमेशा फोन लेके जाते हो, आज कैसे भूल गए? अरे कैसा बेतु का सवाल किया तुमने यार, मैं कभी कभी ले जाता कभी कभी नहीं ले जाता, मैं आज नहीं लेके गया हूँ यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? जब मैं घर पे रहती हूँ ना तो तुम भूल कर भी फोन पीछे छोड़ कर नहीं जाते, तुम्हें डर है ना इस बात का कि मैं कहीं तुम्हारा पीछे से फोन ना चेक कर लूं। बेबी तुमने ये फालतू की डिस्कशन करने के लिए फोन किया क्या? नहीं गाना सुनाने के लिए फोन किया है। सामने देख सर, देख क्या भैया थोड़ा संभल के चलाना मेरे बेटे। अरे संभल के तो चला रहा हूँ भैया, लेकिन जो ये खुजली है रही है बाकू का करूं? खुजली है रही है तो खुजा ले भैया, खुजाऊंगा ना तो गाड़ी को बैलेंस बिगड़ जाओ। अरे सेठ जी तुम ही खुजा दो ना। भैया जी खुजाने के लिए तो कह रहे आ गए, कौन सा आपको खून करने के लिए कह रहे आ गए हम? देख तू ज्यादा बकवास मत कर समझ गया? अरे भैया बकवास न कर रहा हूँ, तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, बहुत ही तगड़ी खुजली है रही है भैया। भैया अगर कौन ना खुजाओ ना तो मैं खुद खुजला लूंगा, देख लेना मैं कंट्रोल से बाहर आ रहा हूँ भैया, फिर सब लोग जाओ भैया के खेत में। अरे सेठ जी क्यों हमारी जिंदगी से खेल रहे हो तुम, खुजा दो ना, हम सब तय बोल गए तो बाबू जी को कौन बचाएगा? अच्छा ठीक है ठीक है, खुजा देते यार। खुजाना कहाँ है? पीछे हाथ डालो भैया, यहाँ थोड़ा नीचे भैया, ये ले थोड़ा अंदर, आगे भी देखता रहे भैया, और थोड़ा और अंदर भैया। अरे और कितना गहरा है यार? भैया थोड़ा सा और अंदर, ये थोड़ा सा थोड़ा, हाँ जाए रुको रुको भैया, हाँ जाए पे जाए पे, हाँ आप करो ये ले। अरे आनंद आ गोरे, आ आ भैया आ। अरे यार ये किसका फोन इस समय? अंगूरी अंगूरी तो तुम ठीक तो हो ना? नहीं लड़के भैया हम ठीक ना आए हैं, देखिए कितना कितना टाइम हो गया ना लटके लटके, अब हमारा हिम्मत जवाब दे रहा है लड़के भैया, हमसे ना ही यहाँ पर लटका जा रहा है, हमारा ग्रेप भी छूट रहा है। बाबी जी वो ग्रेप होता है सही पकड़े हैं, कहा है कि अब हमारा हिम्मत ही ना ही है यहाँ से लटकने का। आ रहे हैं पगली आ रहे, तुम देखो हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। हाँ क्या बोल रहे हैं आपके लड्डू के भैया? वो बोल रहे हैं हिम्मत रखो हिम्मत, गुइया हिम्मत रखे, कितनी देर से लटके हुए हैं, अगर भटकते तो गुलेरिया मुंह को आ जाती हैं आपके। अरे हिम्मत रखो। अरे बोले सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुनेगा बुका बोले, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं लड्डू के भैया अब हिम्मत ना आई, आप जल्दी आ जाइए, आई हमारा आखिरी काल है। हेलो हेलो अंगूरी अंगूरी अंगूरी, अरे यार ये राइट में कर लो थोड़ा सा। बट अभी जी प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस, ऐसी बातें मत करिए, डिसअपॉइंटिंग आखिरी कॉल, ऑफ कोर्स वी आर फाइटिंग भाभी जी, हमरा झूठ रहा है पर कुछ जी। भाभी जी आप एक काम कीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। आ का बोले कुछ नहीं। हेलो वो कौन है का? देखिए देखिए हमको बचाइए, हम यहाँ लटके हैं। भाभी जी एक मिनट, मैं आवाज आपकी आवाज नहीं पहुंच रही होगी वहाँ पे। हेलो आनी बड़ी देर, देखिए हम लोग यहाँ लटके हुए हैं, जिंदगी मौत से झूल रहे हैं, कि कैन यू हियर अस प्लीज? हम यहाँ पेड़ से लटके हैं, यहाँ सामने। अरे बहुरिया, अरे हम हैं तुम्हारी अम्मा। अम्मा जी आप आ गई, अम्मा जी हमको बचाइए, अम्मा जी हम यहाँ लटके हैं। नहीं नहीं चिंता नहीं करो बिटिया, तुम्हारी अम्मा जी आ गई है, तुमका बचा लेंगे है। चलो आई मीन आंटी जी मैं भी यहाँ पर हूँ, आई एम आल्सो विद भाभी जी। हेलो हाँ चुप रहो, कछु करते हैं शांति रखो। दिया हमारी अम्मा जी साक्षात देवी है, क्या करें? मेरी कितनी साड़ियां खराब हो गई, क्या करें? टेंशन मत लो, मैं और ले दूंगा यार, आई एम कमिश्नर ऑफ पुलिस। अरे देख के चलो। <आगा। laughs>
अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाके पकड़ो उसको, देखो गाड़ी रुकी, जल्दी जाओ। अरे मोरी मैया सारे निकल लिए का। अरे मोरी मैया, अरे मोरी मैया, अरे दादा। जानिमो जो तो दरोगा है वो यार। इसको क्या क्या हूँ? धीगे लट्ठो का दशा कर दी हमारी। जैन सर, जैन साहब। हाँ अम्मा जी, ये देखिए, ये हम ना आज जड़ी बूटी निकाल लिए हैं। अरे ये बहुत अच्छा रहा बिटिया। इतना काफी है ना? हाँ हाँ, हो जाएगा ना इतना में। अरे मुटल्लो, आई मीन आंटी जी, अगर आपकी पंचायत खत्म हो गई होती फेंकिए, मैं भी ऊपर आऊँ। अरे खींच रहे हैं, शांति रखो, दीजिए ना धोती। हाँ इको पकड़ लीजिए बरबूती जी। हाँ बहुरिया ही पकड़ो। हाँ हाँ दिया लड्डू की भैया, आज तो आप कमाल ही कर दिए। हाँ कितने जोश के साथ रोमांस किए हैं। हाँ पगली, आज बहुत दिनों बाद हमें हमारे शरीर के भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार सा महसूस हो रहा है। ये कमाल पंडित राम फल का है। हमारा मतलब है वो जो जड़ी बूटी बताए थे ना, उनका है। हाँ पगली, वाकई उस जड़ी बूटी ने तो हमारे शरीर को एकदम भिन्ना के रख दिया है। आ तो आप सो जाइए। ना ना सोएंगे ना सोने देंगे। दिया अरे तेरा आपका किसका फोन आ गया यार? अग्रानु का फोन आया होगा। रात को कोई डरा में सपना देखा होगा, डर गई होगी। हेलो बेबी, हाउ इज माय बेबी डूइंग? हेलो बिबू, सो गए क्या? बेबी रात के 2 बज रहे हैं, इस टाइम लोग सोते ही हैं, मैं भी सो रहा था। बेबी तुमने इतनी रात को फोन किया, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है ना? अरे सुनो तो सही बिबू, मैंने बताया बहुत अच्छा गाना तैयार किया। बहुत अच्छा गाना तैयार किया, तुम सुनो सुनो। तुमने रात को 2 बजे गाना सुनाने के लिए फोन किया? सुना सुना सुना। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। बेबू तुम सो रहे हो? तुम सो गए क्या? नहीं बेबी, व्हाट अ सॉन्ग यार, कितना अच्छा कंपोज किया तुमने गाना, बहुत ही कंपोज है बेबी। कदर ही नहीं है इसको मेरी। गोरी है कलाइयां, खिला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।